से 10 बजे के बाद लाइट आती है, 10 बजे से 2 बजे तक वो लाइट को ही देखता रहता है कि मतलब रात को 10 बजे से 2 बजे तक हीटर बल देते हैं तो 2 बजे आती है, 2 बजे अब कौन लैंड पलटर पे जा रहा। अब देखिए 10 बजे एक टाइम रहता है 12 से 6 सुबह, ठीक है, और 10 में रात में रहता है 2 से 6, तो 2 बजे अब किसान कहाँ जगता रहेगा कि अब लाइट आई, अब किसी की ऑटो चालू है उसकी नींद लग गई फसल सड़ गई, ये हाल भी है ना, तो जो सुधार होना चाहिए, चालू नहीं हो पाती तो उसकी फसल सूख रही, समस्याएं सभी हैं किसान के सामने। तो इस बार सरकार पे किसका मोटर चालू रखेंगे आप लोग? भैया देखो हमारी मोदी सरकार तो अच्छी सरकार है, लेकिन किसानों की सुने, मोदी सही है, शिवराज सिंह चौहान सही नहीं है, हाँ ये तो है, मोदी सही है लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार, प्रदेश की सरकार को क्या बदलने का इरादा चाहिए? मध्य प्रदेश में चेंज होना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहिए, मोदी चाहिए लेकिन शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहिए। मतलब सरकार चेंज होनी चाहिए, मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए, मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए, सरकार तो मुख्यमंत्री ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक है। नहीं मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार चेंज होनी चाहिए, अब बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान चेंज होकर कोई दूसरा आ जाए, चाहे कोई आ जाए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान नहीं होना चाहिए, या कमलनाथ जी आ जाए कांग्रेस से, जब वो भी ठीक है, पिछले बार 18 महीने के लिए आए थे तो कुछ ठीक ठाक दिखा था। अरे कमलनाथ जी आए थे तो वो कुछ करके ही गए, जी की सरकार में बहुत अच्छा बढ़िया माहौल था। जैसे क्या क्या हुआ जो है तो किसानों के लिए, किसानों के लिए सरकार, एक तो पहली बात कमलनाथ जी को पूरी 5 साल सरकार ने चलने दी, तो जो लागू किया था उन्होंने किसानों का कर्जा माफ ये वो, तो जब सरकारी नहीं चला पाई, जब सरकार चलने का टाइम आया, जब गिरा दिए, सिंधिया जी ने खुद गिरा दिया, सिंधिया जी तो क्या किस हाल में बनेगी सर, ना घर बिना पैंदी के लोटा, घर के ना घाट के बिना पैंदी के लोटा, जिस तरफ भी खाने को मिला उसी तरफ भी लुढ़क गए हैं। अभी बीजेपी में मिल रहा खाने तो बीजेपी में चले गए, पता चला आम आदमी में मिलेगा उनको खाने के लिए तो आम आदमी में चले गए, बिना पैंदी का लोटा, रानी लक्ष्मीबाई के साथ दगा किए थे, कांग्रेस के साथ दगा किए, उनकी तो जिंदगी जा रही दगा कर, क्या कर लेंगे ज्योतिराज सिंधिया भी आके, जिधर जो है तो मौका मिलेगा उधर ही पलट जाएंगे। एक मुद्दा है किसानों पे, ये जो टैक्स लग रही है लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए, उस पर हम बाद में अभी बात करेंगे। और इसके अलावा जो है तो आप बीजेपी की सरकार को लेकर के क्या सोचते हैं, वर्तमान जो सरकार है, नहीं बोलिए ना, आप जो सोचते हैं आप बताइए, आपकी सोच को ये थोड़ी बता पाएंगे, बताएंगे यही सरकार आनी चाहिए दूसरी आनी चाहिए, जब आगे रास्ता नहीं है तो पीछे का रास्ता बना, तुम्हारा काम इतने आओ मंत्रा जा रही है फोटो, चलो अब ये बहुत मद्दा बिक रहा है मटर यार। तो ये थे यहाँ जबलपुर के कुछ किसान जिनसे हमने बातचीत की, और हम स्वयं भी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारी मात्रा में व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ किसान और व्यापारी ही दोनों लोग मिलकर के आपस में व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर जैसा कि किसानों का कहना है, व्यापारियों का कहना है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं, 1-1.5 महीने से मटर की बिक्री यहाँ पर हो रही है, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई अधिकारी हाल खबर लेने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। बात टैक्सेशन की होती है तो जब भी गाड़ियाँ यहाँ से पार करती हैं गेट, तो सबसे पहले टैक्स ले लिया जाता है, लेकिन व्यवस्थाओं की बात होती है तो व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं वो आप अपने चारों तरफ, हमारे चारों तरफ देख ही सकते हैं, किस तरीके से जाम लगा हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर साफ़ सफाई अस्वच्छता का आलम मचा हुआ है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सरकार की तरफ जो है तो एक कटाक्ष करती है कि आपके द्वारा किए जाने वाले जो दावे हैं, जो वादे हैं, वो उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ, नमस्कार, धन्यवाद। अब आप